السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، अल्लाह सुबहानहू व तआला की आप सब पर रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। अल्लाह सुबहानहू व तआला हम सब की रहनुमाई, इताअत और खैर की तरफ फरमाए। जो आमाल हम अल्लाह सुबहानहू व तआला की रज़ा के लिए अंजाम देते हैं, अल्लाह सुबहानहू व तआला उन्हें शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। और अल्लाह सुबहानहू व तआला जब तक हमें इस दार पानी के अंदर ज़िंदा रखे, तौहीद और सुन्नत पर ज़िंदा रखे, और जब हमें मौत नसीब फरमाए तो हमारी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना जारी रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। सद्दत सहू जो अल्लामा उसैमी रहमतुल्लाह की किताब है, इस किताब का इंशाअल्लाह आज हमारा आखिरी दर्स है। इसके अंदर हम अल्लामा उसैमी रहमतुल्लाह की किताब को इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। अल्लामा उसैमी रहमतुल्लाह ने किताब के आखिर में मुख्तसरन यानी शॉर्ट में ये बात बयान की है कि सद्दत सहू कब सलाम से पहले करना है, कब सलाम के बाद करना है। वैसे ये सारी तफसीलात हम पहले पढ़ चुके हैं, दलाइल वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप रहिमहुल्लाह ने आखिर में इस चीज को जिक्र किया। तो जैसा कि हम पढ़े हैं कि सज्दा सहू कभी सलाम से पहले होता है, कभी सलाम के बाद होता है। तो आज के दर्स में हम इस चीज को दोहराएंगे और ये चीज जानने की कोशिश करेंगे कि कब हमें सलाम से पहले सज्दा सहू करना है और कब सलाम के बाद करना है। सलाम से पहले यानी जब सलाम से पहले सज्दा सहू दो जगहों पर किया जाएगा, उसमें से जो पहली जगह है, पहली जगह यह है जब कोई नुक्स और कमी हो जाए, यानी जब नमाज में हमसे कोई कमी और नुक्स हो जाए तो फिर हम सज्दा सहू सलाम से पहले करेंगे, सज्दा सहू करके फिर सलाम करेंगे। और इस ताल्लुक से हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहैना रज़ी अल्लाहु अन्हु की रवायत है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला तशहुद है, दो रकात के बाद वाला तशहुद, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट तीसरी रकात के लिए उठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से पहले दो सज्दा सहू किए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। ठीक है, तो ये अब्दुल्लाह बिन बुहैना रदी अल्लाहु अन्हु की जो हदीस है, ये हदीस सही बुखारी की है 6670, जो इससे कबल हम पढ़ चुके हैं कि अब्दुल्लाह बिन बुहैना रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम فقام في الركعتين الاوليين قبل ان يجلس, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई तो आप पहली दोनों रकातों से उठ खड़े हुए, इससे पहले कि आप बैठते, यानी इससे पहले कि आप तशहुद करते आप डायरेक्ट खड़े हो गए। फिर आपने अपनी नमाज को जारी रखा, फलम्मा क़ज़ा सलातहु इंतज़र अन्नास तस्लीमा, जब आप सल्लम नमाज के इख्तिताम तक पहुंचे तो लोग सलाम का इंतजार करने लगे, फकब्बर व सजद क़ब्ल अन युसल्लिमा, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने तकबीर कही और सज्दा किया सलाम से पहले, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सज्दे से उठाया, फिर तकबीर की और फिर सज्दा किया, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ, फिर अपने सर को उठाया, وَسَلَّمَ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। तो इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि नमाज में कमी हो जाए तो हम सज्दा सहू कब करेंगे, सलाम से पहले करेंगे, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सज्दा तशहुद अव्वल जो है वो छूट गया था। तो ये नमाज के अंदर क्या थी, नमाज के अंदर कमी हुई थी, नमाज के अंदर कमी हुई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से पहले दो सज्दा सहू किए। दूसरी सूरत इसकी ये है कि जब हम सलाम से पहले सज्दा सहू करेंगे तो इसकी दूसरी सूरत यह है कि जब सज्दा सहू ऐसे शक की वजह से हो जिसमें किसी एक तरफ का रुझान न हो सके, यानी
हमें नमाज के दौरान शक हो जाए और वो शक ऐसा हो कि कोई चीज कंफर्म ना हो सके, यानी शक यकीन में ना बदल सके, हमें हमारा दिल किसी चीज पर मुतमइन ना हुए, यानी हमारे हमारा दिल किसी चीज पर मुतमइन ना हो, तो ऐसी सूरत में सज्दा सहू जो है वो कब करना है? सलाम से पहले करना है, सलाम से पहले करना है। और इस ताल्लुक से जो रवायत है वो रिवायत भी हम अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील हमें बताई है, इसकी तफसील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। तो और वह हदीस क्या थी? वह हदीस सही मुस्लिम के अंदर 1272 1272 पे हमने पढ़ा था। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा शक अहदुकुम फी सलातिही, जब तुम में से किसी को अपनी नमाज के अंदर शक हो जाए, फलम यदरी कम सल्ला थलाथन अम अरबअन, और उसे ये ना मालूम हो सके कि उसने 3 रकात पढ़ी या 4 पढ़ी, फलयतरहि शक वलयबनी अला मस्तैकना, तो आसो सल्लम ने फरमाया कि वो शक को छोड़ दे और वो जो यकीन है यकीन इन को बुनियाद बनाकर उस पर अमल करे। अब यकीन पे को बुनियाद बना के मतलब क्या है कि वो शक को छोड़ देगा और जितनी रकातों पर उसे यकीन है उसको बुनियाद करके वो अपनी नमाज को कंप्लीट करेगा। यदि मिसाल के तौर पर किसी इंसान को शक हो रहा है कि उसने 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, तो कम क्या है? कम 3 है, तो ये चीज तो कंफर्म है कि उसने 3 पढ़ी। उसको शक किसमें हो रहा है? चौथी में, कि चौथी उसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो अब उसको मालूम ही नहीं अब चल रहा है कि उसने 3 पढ़ी कि 4 पढ़ी, तो अब वो क्या करेगा? शक को छोड़ेगा, यकीन पर अमल करेगा। यकीन क्या है? कि उसने 3 पढ़ी है। अब वो 1 रकात और पढ़ लेगा, ठीक है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, थुम्मा यस्जुदु सजदतैन क़ब्ल अन युसल्लिमा, कि वो 2 सजदे करेगा सलाम फेरने से पहले। फइन काना सल्ला खमसन शफअना लहू सलाता, अगर उसने 5 रकात नमाज पढ़ ली, अगर उसने मतलब 5वीं पढ़ ली, तो जो ये सज्दा सहू है ये उसको जुफ्त बना देगा, ठीक है। वइन काना सल्ला इतमामन लिअरबईन कानता तरगीमन लिश्शैतान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसने 4 रकात क्या कर ली थी, मुकम्मल कर ली थी, तो ये सज्दा शैतान की जिल्लत और रुसवाई का बाइस होगा। तो ये 2 सूरतों में सज्दा से हमें कब करना है, यानी नमाज में जब कमी हो जाए तो हमें क्या करना है? सज्दा सहू सलाम से पहले करना। उसकी 1 सूरत जो हमने पढ़ी वो ये है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहैना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशहुद छूट गया तो नमाज में कमी हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से पहले सज्दा सहू किया। और दूसरी, जब हमें शक हो जाए कि हमने 3 पढ़ी या 4 पढ़ी या ऐसे किसी भी चीज में शक हो जाए, और हमें कोई चीज हमारे नजदीक राजे ना हो, हमारा दिल किसी पर मुतमइन ना हो कि हमने कितनी पढ़ी, तो ऐसी सूरत में जो कम है उसको उस पर हम यकीन करके और दोहरा लेंगे, और बाद में हम सलाम से पहले 2 सज्दा सहू करेंगे। अब सलाम के बाद सज्दा सहू 2 जगहों पर वाजिब होता है। सलाम के बाद सज्दा सहू 2 जगहों पर वाजिब होता है। उसमें से पहली जगह क्या है? जब नमाज में ज्यादती की वजह से सज्दा सहू वाजिब हो, यानी नमाज में जब क्या हो जाए, नमाज में जब ज्यादती हो जाए, जब नमाज में ज्यादती हो जाए तो फिर सज्दा सहू हमें कम करना है, सज्दा सहू सलाम के बाद करना है। और इस ताल्लुक से भी रिवायत हम लोग पढ़ चुके हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस थी, काफ़ी लंबी हदीस, जिसकी जो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात नमाज पढ़ा दी थी, ठीक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस थी, और ये हदीस अबू दाऊद के अंदर है, 1022 जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात पढ़ाई, फिर जब आप मुड़े, ठीक है, फलम मन फतला
तवश्वश अल कौम बैनहुम, तो लोगों ने आपस में धीरे धीरे बातें की, जिसको हम उर्दू में कहते हैं चिमगोइयां करना, यानी धीरे धीरे बातें करना, आपस में लोग बातें करने लगे कि मतलब जैसे इमाम से आज गलती हो जाती है तो लोग मतलब आपस में एक दूसरे पूछते हैं क्या क्या इमाम साहब ने ये गलती क्या तीन सद्दे कर दिए, क्या तीन पढ़े या चार पढ़े। तो इस तरीके से सहाबा इकराम जो है आपस में क्या है बातें करने लगे इस ताल्लुक से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फकाला मा शअनुकुम, कि क्या बात है कि तुम ऐसी 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 बातें क्यों कर रहे हो, क्या बात है। कालू या रसूल अल्लाह, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जो तरीका उसलूब था, इससे पहले भी मैं आपको बताया आप सल्लम का जो अदब था वो इंतहाई आला दर्जे का था, और ऐसी कौम दुनिया ने देखी नहीं जितना अदब सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लम का किया। आप सल्लम से अदबन सवाल किया गया हल ज़ीरा बिस्सलाती, ए अल्लाह के नबी सल्लम क्या नमाज में ज्यादती कर दी गई है, यानी क्या नमाज अल्लाह सुबहान व तआला ने नमाज को यानी चार रकात को पांच रकात बना दिया, क्या आज से ये हुक्म नाज़िल हो गया कि नमाज ज्यादा कर दी गई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, नहीं ऐसा नहीं है। तो लोगों ने कहा फइन्नका कद सल्लैत खमसन, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तो आपने पांच रकात पढ़ी है। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज सुनी फनफतला फसजद सजदतैन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़े, और क्योंकि सहाबा इकराम ने बता दिया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सजदा सहू किए, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। फिर आखिर में जो बात आपने बताई वो बात ये थी कि इन्नमा अना बशरुन अनसा कमा तनसाउन, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं भी तो तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूं, मैं भूलता जैसे तुम भूलते हो वैसे मैं भी भूलता हूं। तो इस रवायत से क्या पता चला, इस रवायत से यह पता चला कि अगर नमाज में ज्यादती हो जाए, नमाज में ज्यादती हो जाए तो सज्दा सहू सलाम के बाद करना है। ठीक है, यहां पे अल्लामा उसैमी रहमतुल्लाह ने एक बात और बताई है, वो ये है कि सलाम के बाद जब याद आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सज्दे किए फिर सलाम फेरा, और इसकी वजाहत नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसकी वजाहत नहीं की, किस चीज की वजाहत नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज नहीं बयान की कि सलाम के बाद जो सज्दा सहू अदा किया वो सिर्फ इसलिए कि ज्यादती का इल्म सलाम के बाद ही हो सका। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं बताई हमें कि मैंने सज्दा सहू सलाम के बाद इसलिए किया क्योंकि मुझे सलाम के बाद ज्यादती का पता चला, ये आप सल्लम ने कुछ नहीं बताया, आप सल्लम खामोश रहे, आपने सिर्फ दो सद्दे किए। तो अल्लामा उसैमी रहमतुल्लाह की जो फिक्र है, आप सल्लम की जो समझ है, आप रहमतुल्लाह अल्लामा उसैमी रहमतुल्लाह की जो फिक्र है वो बहुत दकीक, आप फिक्र के अंदर बहुत माहिर थे। तो अल्लामा उसैमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज्दा सहू करने के बाद, सलाम के बाद सज्दा सहू करने के बाद हमें ये नहीं बताया कि मैंने ये सज्दा इसलिए किया क्योंकि मुझे नमाज के बाद इल्म हुआ, ये चीज आप ने कुछ भी नहीं कहा, आप सल्लम ने सिर्फ सज्दा सहू किया सलाम के बाद। तो कहते हैं आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं क्योंकि आप सल्लम ने यह वजाहत नहीं की तो इसका जो हुक्म है ये आम है, यानी अब हमें ये पता, हमें इसका इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि नमाज में ज्यादती है जो सज्दा सहू वाजिब होता है वो सलाम के बाद वाजिब होता है, चाहे उसका सहू उसकी यानी उस गलती का इल्म सलाम से पहले हो या सलाम के बाद हो, ये अल्लाह उसैमी रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं। फिर आप फरमाते हैं, एक मिसाल दे रहे हैं कि इसी तरह का मसला ये भी है जब एक नमाजी ने अपनी नमाज पूरी करने से पहले, यानी एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था और नमाज पूरी करने से पहले ही उसने भूल कर सलाम फेर दिया, गलती से सलाम फेर दिया, फिर बाद में याद आया और उसके बाद नमाज को पूरी करता है, तो अल्लाह नसीम रहमतुल्लाह फरमाते हैं चूंकि नमाज के दौरान उसने एक सलाम का इजाफा कर दिया था, ज्यादती के सलाम क्या है, सलाम एक ही है, लेकिन उसने क्या किया था, गलती से सलाम फेर दिया था, तो उसने सलाम में इजाफा किया, सलाम नमाज के अंदर एक है, उसने एक सलाम और कर दिया। तो आप फरमाते हैं कि वो ऐसा आदमी भी अब सलाम के बाद सज्दा सहू करेगा, सलाम के बाद सज्दा सहू करेगा, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अनु की एक हदीस है जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जोहर या असर की जो नमाज थी दो रकात पढ़कर ही आप सल्लम ने सलाम फेर दिया था। ठीक है, ये हदीस इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब्दुल्लाह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक लंबी हदीस थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकात पढ़ के क्या किया, सलाम फेर दिया था। फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जो है अदबन कुछ कहा नहीं, जैसा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहदा सलातिल अशी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई दोहर या असर की कोई नमाज पढ़ाई। वलाकिन इब्न सीरीन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं, इमाम सीरीन रहमतुल्लाह बहुत बड़े इमाम थे और बहुत बड़े ताबई हैं, और इनका पूरा घराना जो है मुहद्दिस था, इनकी बहन भी हस्सा बिनत सीरीन मुहद्दिस थी, पूरा मुहद्दिस घराना। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने अबू मोहम्मद बिन सीरीन को बताया था कि वो कौन सी नमाज थी, लेकिन मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह भूल गए, उस चीज़ को भूल गए कि कौन सी नमाज थी। तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो रकात पढ़ाई, ثم سلم फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। ثم قام الى خشبة معروضة في المسجد فتكى عليها كأنه غضبان, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी की लाठी से जो मस्जिद में रखी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर टेक लगा के, लकड़ी पे टेक लगा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमें ऐसा मालूम होता था गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बान, गुस्से से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से हों। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वदअ यदहु अल-युम्ना अला अल-युसरा वशब्बक बैन असाबिहि ववदअ खद्दहु अल-अयमना अला ज़हरि कफ्फिहि कफ्फिहि अल-युसरा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जो लकड़ी थी लकड़ी पर टेका लगा के खड़े हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत थी, आपने अपने दाएं हाथ को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पे रखा, और बाएं हाथ पे रखने के बाद उनकी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया, इस तरीके से, इसको कहते तशबीह, दाखिल किया। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं रुखसार, यानी जो दाएं ये रुखसार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं रुखसार मुबारक को बाएं हाथ की हथेली से सहारा दिया, बाएं हाथ की हथेली से सहारा दिया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, फिर आगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, फरमाते हैं कि वखरजत السرعان من ابواب المساجد, और जो लोग, जैसे बाद होंगे हमारे यहाँ भी आ जाते हैं, तो कुछ सहाबा की जिनकी आदत थी कि जल्दी नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलना, तो अबू हुरैरा कहते हैं कि जो लोग, जिन लोगों की आदत थी कि जल्दी से नमाज पढ़ के बाहर निकलना, जो लोग नमाज पढ़कर जल्दी निकल जाया करते थे, वो मस्जिदों के दरवाजे से निकल गए। फिर लोगों ने आपस में बातें की, فقالوا لوگوں نے کہا قصرت الصلاة, کیا نماز کم کر دی گئی ہے, اور اس قوم کے اندر وفی القوم ابو بکر وعمر, اس قوم کے اندر ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے, فهاب عن يكلمه, اور وہ ڈرنے لگے خوف کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے, آپ کا ادب. پھر کہتے ہیں کہ وفی القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين, اسی قوم میں ایک آدمی تھا جن کے ہاتھ لمبے تھے, उनको कहा जाता था ज़ुल यदैन, उनको क्या कहा जाता था, उनका लकब था ज़ुल यदैन. देखिए, जहाँ शरीयत का मामला हो, जहाँ इस्लाम का कोई मसला सवाल पूछना हो, तो उसके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए. इस हदीस में पता चलता है कि बड़े बड़े सहाबा इकराम ने क्या किया, शर्म महसूस की, लेकिन वो शख्स जिनके हाथ लंबे थे उन्हें ज़ुल यदैन कहा जाता था, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिम्मत करके अदब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया. आप सल्लम से क्या सवाल किया, قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भूल गए या नमाज ही कम कर दी गई है. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम अंस वलम तक्सुर, नहीं मैं भूला हूं, नहीं मैंने नमाज कम पढ़ी है. तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकमा यकूलु ذو اليدين, क्या ذو اليدين ये बात सही कह रहा है. فقالوا نعم, تو لوگوں نے کہا ہاں. فتقدم فصلى ما ترك, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز کمپلیٹ کی جو آپ سے چھوٹ گئی تھی. ثم سلم, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا. ثم كبر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی. وسجد مثل سجوده او اطول, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے سجدہ کیا جیسے آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں یا اس سے کچھ لمبا.
ثم رفع رأسه وكبر फिर अपने सर को उठाया और तकबीर कही ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर की और सज्दा किया उसी के मिसल या उससे कुछ लंबा ثم رفع رأسه وكبر फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को उठाया और तकबीर कही فربما صلوه ثم سلم فيقول यहां पे आखिर में जो है रावी कहते हैं कि लोगों ने जो है बार बार इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह से पूछा कि क्या फिर सलाम फेरा, तो वो जवाब देते कि मुझे खबर दी गई है, इमरान बिन हुसैन कहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सद्दा सहू करने के बाद सलाम फेरा, यानी सलाम के बाद आपने सद्दा सहू किया सलाम फेरा। तो इस हदीस से क्या वादे हुआ, इस हदीस से भी ये वादे हुआ कि जब एक नमाजी नमाज पूरी करने से पहले ही सलाम फेर दे तो चूंकि उसने नमाज में ज्यादती की है, सलाम एक है उसने दूसरा कर दिया, तो अब ऐसा इंसान भी क्या करेगा, सलाम के बाद सद्दा सहू करेगा। अब आखिरी कि जो चीज है कि नमाजी सद्दा सहू सलाम के बाद दूसरी सूरत में कब करेगा, वो ये जब नमाज में ऐसा शक हो कि उसमें एक तरफ का रुझान पाया जाए, यानी हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमको शक हुआ कि हमने तीन पढ़ी या चार पढ़ी, लेकिन बाद में हमारा रुझान, हमारा दिल इस पर मुतमईन हुआ कि हमने तीन पढ़ी या चार पढ़ी, जिस भी हमारा दिल मुतमईन हुआ, तो इस ताल्लुक से एक रवायत है, ठीक है, इस ताल्लुक से जो रवायत है वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की रवायत है, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी जैसे अपनी नमाज के अंदर शक हो जाए तो उसे क्या करनी चाहिए, उसे कोशिश करनी चाहिए कि सही क्या है और उसी पर अपनी नमाज को पूरी करना चाहिए और सलाम के बाद सद्दा सहू करना चाहिए और ये हदीस भी हम पहले पढ़ चुके हैं और हवाले वगैरह भी मैंने आप लोग को बता दिए थे, अभी मैं वो हदीस में तलाश करता हूँ, उसका हवाला मिल गया तो इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अल्लाह ने एक और चीज बयान की है, मिसाल दे करके एग्जांपल दे के हमें समझाया है। इस चीज को इंशाल्लाह आप अगर पढ़ेंगे तो आपके सामने एक चीज जो है मसला और इंशाल्लाह वादे हो जाएगा आप रहमतुल्लाह जो है बयान फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस हदीस को जिक्र करने के बाद आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी आदमी से दो सहू हो जाए, नमाज के अंदर दो गलतियां हो जाए, कल किसी ने सवाल भी किया था कि अगर किसी आदमी से दो सहू हो जाए नमाज के अंदर, दो गलतियां हो जाए या दो से ज्यादा हो जाए, और वो गलतियां ऐसी हों, एक गलती ऐसी है जिसमें एक सहू सलाम से पहले सद्दा सहू वाजिब करता, यानी दो गलतियां की उसमें से एक गलती ऐसी है जो कमी वाली है, दूसरी ज्यादती वाली है, ठीक है, तो कमी में कब है, सलाम से पहले है, ज्यादती में कब है, सलाम के बाद है, तो आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उससे दो गलतियां हुई और दो गलतियों में एक गलती ऐसी है जिस गलती पर सद्दा सहू सलाम से पहले वाजिब होता है और दूसरी गलती ऐसी है जिस पर सलाम के बाद सद्दा सहू वाजिब होता है। तो अल्लाह उसमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उलमा का कहना है, देखिए इतने बड़े आलिम है उसके बावजूद आप बयान कर रहे हैं कि उलमा का कहना है, ये बड़े आलिम की अलामत है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे मामूली जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो हम जैसे मतलब तालिब इल्म जिनको कुछ इतना इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मेरी राय है, मैं ये कहता हूँ, ये गलत बात। बल्कि कुछ लोग ऐसे जो तालिब इल्म कहलाने के लायक नहीं है, जिन्होंने कभी मदरसा देखा ही नहीं, जो अरबी की आयन से भी वाकिफ नहीं है, वो भी कहते हैं मेरा इस मसले में ये मेरा ये रुझान है, मेरी ये राय है, ये दीन के मसले में बहुत बड़ी जुरात है। अल्लाह रसूल ने मौला फरमाते हैं कि जब दो सद्दा सहू यानी दो गलतियां हो जाए, एक गलती ऐसी है जिसकी वजह से सद्दा सहू सलाम से पहले वाजिब होता है, दूसरी ऐसी है जिसमें बाद में वाजिब होता है, तो आप फरमाते हैं कि उलमा का कहना यह है कि वो सलाम से पहले वाले सद्दा सहू को गालिब मानकर
सलाम से पहले सद्दा सव कर लेगा, वो काफी हो जाएगा उसके। अब सलाम के बाद सद्दा सव नहीं करेगा। यानी जब ऐसा मसला हो जाए कि दो गलतियां हो जाएं, एक गलती ऐसी है जिसमें जिसका सलाम जिसमें जिसका मतलब हमें सद्दा सव सलाम से पहले करना है, दूसरी गलती ऐसी है सलाम के बाद करना है, तो अब जो है सलाम से पहले सद्दा सव को करेगा। लेकिन अगर ऐसी गलती होती है, एक की गलती होती है हमसे या दो गलतियां होती है, लेकिन वो गलतियां ऐसी हैं कि उसका उसका जो क्या कहते हैं सज्दा वो सलाम के बाद ही वाजिब होता, तो फिर हम सलाम के बाद करेंगे, ठीक है। लेकिन जब दोनों एक साथ जमा हो जाए तो फिर हम सलाम से पहले सज्दा सहू करेंगे। फिर आपने इसकी मिसाल दी, आप बयान फरमाते हैं कि इसकी मिसाल यह है कि एक शख्स ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा है और जब तीसरी रकात के लिए खड़ा होता है, पहले तशहुद के लिए बैठना भूल जाता है और तीसरी रकात के बाद तीसरी रकात को दूसरी रकात समझकर बैठ जाता है, फिर बाद में याद आता है कि ये तो तीसरी रकात है। ऐसे मौके पर वो खड़ा हो जाएगा और चौथी रकात पूरी करेगा और चौथी रकात पूरी करके सज्दा सहू करेगा और आखिर में सलाम फेरेगा। तशहुद अव्वल के लिए क्या पहले तो उसने गलती क्या की कि नमाज में उसे कमी हुई, तशहुद छोड़ दिया, ठीक है, तो उस सूरत में उसके ऊपर सज्दा सहू का सलाम से पहले वाजिब था। और दूसरी इसने गलती ये की कि तीसरी रकात में तशहुद किया, तीसरी रकात में तशहुद नहीं है, ये नमाज में इजाफा है, ज्यादती है, सलाम के बाद सज्दा सहू, तो आप यहां फरमाते हैं कि वो खड़ा हो जाएगा और खड़ा होने के बाद वो सज्दा सहू कब करेगा, सलाम से पहले करेगा, फिर सज्दा सहू करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस शख्स ने पहले तशहुद को छोड़ दिया था, जिसका सज्दा सहू सलाम से पहले होता है, और तीसरी रकात के बाद उसने एक और जलसा का इजाफा कर दिया, यानी तशहुद में बैठा जबकि तीसरी रकात के बाद तशहुद नहीं है, तो उसने नमाज के अंदर क्या किया, इजाफा कर दिया, जिसका सहू सलाम के बाद होता है, लिहाजा सलाम से पहले वाले सज्दा सहू को गालिब मानकर उसी पर अमल करेगा। फिर आखिर में अल्लाह तआला रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आखिर में अल्लाह तआला से दुआ है कि हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को अपनी किताब और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझने, ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, चाहे उसका ताल्लुक अकीदे से हो या इबादत से हो या अखलाक से हो या मामलात से हो, और हमारा खातिमा बिलखैर फरमाए। बेशक वो बहुत बहुत ही सखी और करीम है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। यहाँ पर अल्लाह उस्मीन रहमतुल्लाह ने अपनी किताब को ख़त्म किया। हम अल्लाह सुबहाना तआला का बेपनाह शुक्र अदा करते हैं जिस रब जलील ने ये अहम और मुफीद रिसाला मुझे और आपको पढ़ने की तौफीक दी, और इस रिसाले को पढ़ने के बाद मेरी और आपकी कहीं इस्लाह इंशाअल्लाह हुई होगी। और हम अल्लाह सुबहाना तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहाना तआला इस रिसाले को हमारे लिए मुफीद बनाए और जो चीज़ें हमने इस रिसाले के अंदर सीखी हैं दूसरों तक ये चीज़ें हमें पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह सुबहानहु तआला से ये दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु तआला अल्लाह इब्न उस्मीन रहमतुल्लाह की खबर को जन्नत का बागीचा बनाए, और अल्लाह सुबहानहु तआला क़यामत के दिन आपका हश्र अंबिया सिद्दीकीन शुहदा और सालहीन के साथ फरमाए, और अल्लाह सुबहानहु तआला हम सब को किताब व सुन्नत पे कायम और दायम रखे, और अल्लाह सुबहानहु तआला हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल और आजिला नसीब फरमाए, जो मुहताज हैं अल्लाह सुबहानहु तआला उनकी मुहताजी को दूर फरमाए, जो मक़रूद हैं अल्लाह सुबहानहु तआला उनकी गैर से मदद फरमाए, उनके कर्ज की अदायगी का बंदोबस्त फरमाए, और जो भी औलाद हैं अल्लाह सुबहानहु तआला उन्हें नेक और पाक औलाद नसीब फरमाए, और जो अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है अल्लाह सुबहानहु तआला उनकी औलाद को मुती और फरमाबरदार बनाए, और अल्लाह सुबहानहु तआला हमें हर तरह के फितनों से महफूज फरमाए, खुसूसी तौर पर दीन के अंदर फितनों से अल्लाह सुबहानहु तआला हमारे हमें महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुस्नल खातिमा, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका तौबतन नसूहतन क़ब्ल अल मौत, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ुलूबना अला ताअतिक व ताअति नबीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعيننا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب،
وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظ أعمالنا من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.